मैं कुमार पवन यू ज्ञान वाला था। मेरे राजा भाई आए हैं, इनके गाड़ी में आगे कुछ आवाज कर रहा है। कैसा आवाज कर रहा है? चुंचू आवाज कर रहा है, देखते हैं क्या गड़बड़ी है। ये हम इसके चक्के को खुलवा लिए हैं, इनका डिस्क पैड घिस चुका है पूरा। डिस्क पैड भी देखिए मंगवा लिए हम लोग TVS का। ये 1675 प्रिंट है, लगभग 1400 रुपये में मिला। यही अगर S5 M-Hawk सीरीज होता तो उसका लगभग 3-4 हज़ार रुपये का डिस्क पैड आता है। ये S3 है, S2 S3, तो इसलिए कम दाम में हो जाता है इसका। अब इसको हम बदलेंगे। ऐसे करके हम पिस्टन को अंदर ढकेल, उसके बाद देखिए बहुत आसान है डिस्क को बदलना। ये नीचे के एक को खोल देंगे, डिस्क इसमें कभी भी ये जो बैरिंग वाला ग्रीस होता है पेट्रोलियम वाला, वो इसमें नहीं डालना चाहिए, जिससे कि ये पिन खराब हो जाएगा। इसमें वाइट ग्रीस आता है, रबर ग्रीस, वो पड़ता है। बहुत मिस्त्री जनरल ग्रीस डालते हैं, तो आप उसको मना करिए, उससे आपका रबर खराब हो जाएगा। गाड़ी चलाइएगा तो खटखट झरझर झरझर आवाज आएगा। इस अगर आपके पास रबर ग्रीस नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, पहले वाले ग्रीस पे ही, लेकिन वो पेट्रोलियम ग्रीस नहीं डालना चाहिए। देखिए डिस्क पैड पूरा घिस चुका है, इसी वजह से चूं चूं आवाज कर रहा था। नया वाला हम इसमें इंस्टॉल करेंगे। मोटाई दिखा दो, मोटाई दिखा दो। देखिए नया वाला इतना मोटा होता है, देखिए पुराना वाला इतना पतला पिचक जाता है। घिस के कितना पतला हो चुका है। ये TVS का है, TVS की भी महिंद्रा भी लगा के देती है TVS का। यार तो इस चूचू बोले चलो, डिस्क पैड बदली हो चुका है। डिस्क पैड बदलना इतना आसान है, अब सिर्फ एक नट को हम यहाँ कस देंगे। स्कॉर्पियो का डिस्क पैड, स्कॉर्पियो का किसी भी गाड़ी का डिस्क पैड ऐसे ही बदली होता है। ये चेंज हो चुका है, इसको अच्छे से कस देंगे। ऊपर वाला तो खोले ही नहीं थे, फिर भी चेक कर लेते हैं। चलिए अब उधर का चक्का खोलिए।